लास्ट क्लास में हमने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसमें हमने किया था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ में क्या होगा, दे विल जस्ट बिकम अनइनफोर्सेबल बट दे डू नॉट, दे आर नॉट डिक्लेयर्ड वॉयड. अगर कल को फंडामेंटल राइट चेंज हो जाएंगे तो दोज लॉज विल अगेन कम इन टू पिक्चर. आज हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी. ये किस पे लगता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे. इसका मतलब आज हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक फंडामेंटल राइट का चैप्टर है. आप कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकते विच आर इनकंसिस्टेंट विद द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स. नाउ आज कोई लॉ बना, मान लो कोई भी लॉ के चार पार्ट्स हैं, पार्ट ए बी सी डी, इसका जुडिशियल रिव्यू होने लग गया. पार्ट ए को चेक किया, चलो जी ठीक है, कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट. सी को चेक किया, वो भी ठीक है. डी को चेक किया, वो भी ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, इसको चेक किया, बोले ना ये दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, लेट्स टेक इट टेक्स अवे योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कोई ऐसा लॉ है. अब क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को डिलीट कर दिया जाएगा, दिस पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड और जो बाकी का पार्ट है वो लॉ की तरह पास हो जाएगा. ये सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड डिक्लेयर कर देगी और इस पे लग गया डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी बिकॉज इट इज एब्रिजिंग और एब्रोगेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स. पर व्हाट इफ पार्ट जो बी है ये बना इस तरह से, लॉ इस तरह से बना है कि इसको डिलीट करके ये सेपरेबल नहीं है, मतलब कि ये पार्ट ए सी डी इनके साथ में बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है कि इसको निकाला नहीं जा सकता, या अगर इसको निकाल दिया जाए तो लॉ बाकी है कुछ बचता ही नहीं है. अब क्या किया जाएगा, फिर ठीक है, फिर ये सारा का सारा लॉ ही, द होल लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी इंश्योर्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी लॉ जो सिवियर कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी. अब मान लो एक एग्जाम्पल ले लो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या कोई भी और ऐसा लॉ लगा लो, NDPS भी टू सम एक्सटेंट ऐसा ही है. वो क्या करता है कि लेट्स टेक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसके पास इनपुट आई CBI के पास, जी ये बंदा कुछ काम करता है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आई कि ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उन्होंने जी केस बनाना शुरू कर दिया, उसको गए अरेस्ट किया, कोर्ट में जाके बोला जी हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है, अब हम चार्जशीट फाइल कर देंगे कोर्ट में और तब तक हमें ये बंदे की कस्टडी दे दो. कोर्ट बोलती ठीक है. अब उसने कस्टडी में रखा हुआ और एक दिन चार्जशीट फाइल कर देते हैं. आज चार्जशीट फाइल हुई है, आज ये तो नहीं बोल दिया ना जुडिशरी ने कि हाँ जी ठीक है ये बंदा गुनहगार है. अब लेकिन लॉ ने ये बोल दिया कि जिस समय किसी को PMLA में पकड़ा जाएगा, मान लो लॉ ने ऐसा बोल दिया, अब या तो जज बोले कि अब ठीक है मेरे सामने तुमने चार्जशीट दे दी और इसको देख के ना मेरे को पूरा यकीन है कि ये बंदा गिल्टी नहीं है, तो इसको बेल दे दी जाए, इसको फ्री कर दिया जाए, या फिर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है CBI का वकील है वो खुद ही बोले कि हाँ जी ये बंदा हमने 6 महीने पहले उठाया था, इसके खिलाफ इतनी मोटी चार्जशीट भी है पर हमें लग रहा है कि आप इसको छोड़ दो, वो तो कभी बोलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर उनका तो कोई केस ही नहीं बना. इन अदर वर्ड्स, ये जो एक्यूज्ड है आरोपी की पर्सनल लिबर्टी, वो आज गुनहगार नहीं है, वो एक्यूज्ड है सिर्फ, एक्यूज्ड की पर्सनल लिबर्टी, उसका फंडामेंटल राइट आपने दो लोगों के हाथ में दे दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वकील और कोर्ट. अब कोर्ट भी है, वो थोड़ी बोल देगी देख के कि हाँ यार हमने देख ली चार्जशीट और 10 मिनट में मेरे को पता लग गया ये बंदा बेगुनाह है, उसको लगेगा ठीक है ट्रायल चला लो, अगर बेगुनाह होगा तो छूट जाएगा. इन अदर वर्ड्स, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, इस PMLA केस में तो इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि नॉट नेसेसरी डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी को कोट किया गया, पर PMLA के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अभी रिसेंटली कि जितने भी केसेस चल रहे हैं लोअर हायर कोर्ट्स में जहां पे बेल नहीं मिली हुई, बिकॉज बेल मिलने के लिए या तो वकील बोले पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोर्ट खुद बोले जज बोले, सिर्फ तभी बेल मिल सकती है. उन्होंने बोला कि आप सब रीअप्लाई कीजिए क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी, ये जो लॉ बना हुआ है इसका सिर्फ. अब लेकिन ऐसा नहीं है कि PMLA डिलीट हो गया, मेरा पॉइंट समझाने का यही है कि उसका एक पार्ट था पूरे लॉ का, वो पार्ट आपकी पर्सनल लिबर्टी ले रहा था जिसमें ये प्रोविजन में लिखा हुआ था कि बंदे को बेल सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी जब ये दो लोग, सरकारी वकील, द सो कॉल्ड सरकारी वकील, और या फिर जज खुद बोले कि इस बंदे को छोड़ दो और फिर केस चलाएंगे. तो वो पार्ट डिलीट कर दिया, बाकी PMLA अभी भी चल रहा है, आज भी आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते,
आज भी पनिशमेंट है मिनिमम 7 years एंड सो ऑन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी. लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, द आइडिया इज कोई लॉ जो बनेगा संविधान के आने के बाद वो इस हिसाब से बनेगा दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट. इन केस अ पार्ट ऑफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, दैट पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड. इन केस द पार्ट इज इनसेपरेबल, देन द होल लेजिस्लेशन विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड. अनदर थिंग, एक कमेंट्स में आ रहा है कि एमएलए का कॉन्सेप्ट समझा दो, मेरे को थोड़ा प्रिसाइसली तो बताओ कि क्या समझा दें, अदरवाइज पूरा एमएलए पढ़ा दिया जाएगा. थैंक यू.